गाइस अभी हम लोग बागा वाटर क्लीन जा रहे हैं और जो प्रोग्राम जो इवेंट होता है वो 6:30 बजे से 7 बजे तक आधे घंटे का प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए क्या कि अगर आप जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी जल्दी आपको रो मिल जाती है स्टार्टिंग में, फिर और मोर एंड मोर अपर। तो अभी हम लोग अभी मार्केट में हैं, गोल्डन टेम्पल के जो मार्केट में है, और ये भाई जो है हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये हमें बताएंगे, हमें वहां तक लेके जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बासमती के राइस के दाने के जो खेत, पूरा बासमती है ना, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है। अटारी बॉर्डर जो है वो इंडिया का है, सर इंडिया का है, और बागा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के है। पाकिस्तान का है, अच्छा। अटारी लास्ट विलेज है इंडिया का। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि बागा बॉर्डर के नाम से इतना मशहूर है, आप अटारी बॉर्डर नहीं? सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है बागा बॉर्डर, इसलिए अटारी लोग कम बोलते हैं। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लेडीज लोगों की लाइन अलग है और जेंट्स की अलग है। तो आगे जाके चेकिंग पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट के बाद दोनों लेडीज और जेंट्स आपस में मर्ज हो सकते हैं। मैं आपको पीछे लाइन दिखाऊंगा कि कैसे चेकिंग जहां पे होती है। लेफ्ट साइड में लेडीज की लाइन जा रही है और ये जेंट्स की लाइन है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट से आगे बढ़ चुके हैं और आपको दिखाता हूं मैं पाकिस्तान। बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है, बच्चे देखे बैग लेके जा रही है, वो भी देखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं लगा है। ये अभी 4:30 बज रहा है, 4:45, और मुझे लगता है 1.5 घंटा और बैठना पड़ेगा और पब्लिक खचाखच भर गई और इधर पे भी भरेगी तब तक 2 घंटे में। और सामने पाकिस्तान है, आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरी पब्लिक हमारी है। और वहाँ
जरा से लोग बैठे होंगे, आप देखेंगे उधर उस साइड ऊपर की तरफ, तो पाकिस्तान के तो पाकिस्तान का शो देखने आए हैं। गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पूरी पब्लिक इस तरीके से भरी हुई है और उस तरफ भी पब्लिक पूरी धीमे धीमे करके भर रही है। इस तरफ पूरे अटारी बॉर्डर वाले जो दर्शक हैं सारे आए हैं, हमारी इंडिया का जो क्राउड है, हमारी इंडिया की जो जनता है, ये एलईडी है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ पाकिस्तानी कितने लोग हैं। वो आप देख रहे होंगे, वो बैठे हैं ऊपर कुर्ता पजामा पहने हुए, तो वो लोग भी वहाँ तैयार हो रहे हैं, बैठ रहे हैं शो देखने के लिए अपने देश। आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं, ये जो पंक्ति देख रहे हैं आप, ये वाली पंक्ति जो है और जो ये पंक्ति है सारी की सारी, ये सब ऐसे ही नॉर्मल आके बैठ सकते हैं। जो आपकी ये वाली पंक्ति है, आपको मैं दिखाऊं जूम करके, जो ये पंक्ति है ये वीआईपी वाली पंक्ति है, ठीक है। और जो इस साइड है, ये भी इस साइड जो खाली है वो भी वीआईपी वाली है। ये क्यों वीआईपी वाली है? क्योंकि ये जो पाकिस्तानी गेट है उसके पास में है, तो जो भी वहाँ पर इवेंट होगा वो वहाँ पब्लिक देख सकती है ईजिली। यूजुअली वीआईपी जो लाइन है वो वीआईपी में जो पंक्ति है वो कैसे मिलती है, या तो आप आर्मी में हो, आपके फैमिली मेंबर्स कोई आर्मी में हो उससे है, या आप एक दिन पहले आपका बुकिंग करानी पड़ती है, जो गेट नंबर 3 से मिल जाता है पास, वीआईपी पास। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो गेट के पास वाली पंक्ति है वो वीआईपी है, और जो ये है ये नॉर्मल है, आप आके बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बीवी फुल एंजॉय करती है, अभी आइसक्रीम खा रही है, पॉपकॉर्न भी रखा हुआ है। शुरू हो गया प्रोग्राम, चलती हुई
देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी जनता वो वहाँ बैठ के वो भी अपना शो एंजॉय कर रही है। ये पाकिस्तानी पूरी पब्लिक है यहाँ पे इस गेट की दूसरी तरफ, और जैसे स्पीकर्स यहाँ लगे हैं वैसे वहाँ भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सब अपना झंडा लिए हुए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग ज़्यादा हैं तो हम लोग को ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे वो। मुझे क्लोज आके आपको दिखाना पड़ा, काफ़ी क्लोज आके, क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप लोग दोस्त देख सकते हैं ये रस्सी बंध गई है। अब यहाँ पे जो भी इवेंट होगा इस रस्ते में, इस पूरे इवेंट में इस रस्सी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। इवेंट शुरू होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे लेडीज लोगों की कतार लग रही है। आर्मी ऑफिसर्स ने लेडीज लोगों को बुलाया है, कुछ शो करने वाले हैं लोग। जो भी नीचे की स्टेयर तो मिडिल स्टेयर से जितनी भी लेडीज हैं वो सब लाइन लगा के खड़ी हो गई हैं। Yeah, yeah.
देश की लड़कियां काफी है। शाबाश बेटा। Yeah.
दिया वहाँ पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ पाकिस्तान का शो शुरू हो गया है। झंडे लहराने लगे वो लोग।
दोस्तों वहाँ ढोल बज रहा है और यह हमारी आवाज इतनी तेज है कि उनकी फीकी पड़ रही है। देख सकते हैं वहां सिर्फ ढोल बज रहे हैं और यहाँ देखिए सैन्य शक्ति देखने को मिल रही है। मार्च शुरू हो चुकी है, वहां पाकिस्तानियों की भी मार्च शुरू हो चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी की। Zimbabwe! Zimbabwe!
सकते हैं कि वहां के सैनिक अपना बल दिखा रहे हैं और हमारे सैनिक अपना बल दिखा रहे हैं वहां पे। झंडे लहरा दिए गए हैं। जय बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं झंडे क्रॉस हो गए हैं।
दोनों रस्सियां क्रॉस कर दी गई हैं झंडों की, डायगोनल दोनों रस्सियां डायगोनल क्रॉस कर दी गई हैं झंडों की। देख सकते हैं अब गेट लगने वाला है, ये इवेंट खत्म हो गया है और आप देख सकते हैं गेट लग रहा है। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं बैरियर लगा हुआ है और ये जो फेंसिंग देख रहे हैं आप, ये फेंसिंग के पास ये बैरियर है, इंडिया लिखा हुआ है। इस फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है। इस फेंसिंग के दूसरी तरफ ये हमारे आर्मी के एक जवान यहाँ पे खड़े हैं और एक यहाँ पे खड़े हैं। तो इस फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है और है एक जैसा ही, जैसे हम वैसे वो।